गर्मियों में खाने को खराब होने से बचाना मुश्किल होता था। तब आइसमैन नाम का एक शख्स होता था। वो घर आता था और बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां बेचता था। लोग उसे आइस बॉक्स में रखते थे ताकि जल्द खराब होने वाले खाने को बचाया जा सके। लेकिन बर्फ पिघलती रहती थी और उसका पानी फर्श पर फैलता रहता था, तो किसी ने खाने को ठंडा रखने का एक और तरीका ढूंढा। ये गैस से चलने वाला सिस्टम था जिसमें अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल होती थी। अब बर्फ की सिल्लियों से आजादी मिल चुकी थी, पर ये केमिकल न सिर्फ जहरीले बल्कि बदबूदार भी थे और लीक होते रहते थे। तो एक ऐसे कूलेंट की जरूरत थी जो किसी चीज को जहरीला ना बनाए और ना ही रेफ्रिजरेटर को कबाड़ में फेंकने पर लोगों के लिए कोई खतरा पेश करे, लोगों को बीमार ना करे, आंखों में जलन पैदा ना करे, कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित ना करे और बिल्ली को भी परेशान ना करे। लेकिन शायद ऐसी कोई चीज कुदरती तौर पर मौजूद ही नहीं थी, तो अमेरिका में केमिस्ट्स ने एक खास तरह के मॉलिक्यूल्स का आविष्कार किया। ये और भी सूक्ष्म चीजों, एटम्स का संग्रह था जो पृथ्वी पर पहले कभी मौजूद नहीं था। इन्हें नाम दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs, क्योंकि ये बने थे एक या अधिक कार्बन एटम्स और कुछ क्लोरीन या फ्लोरीन एटम्स से। ये नए मॉलिक्यूल्स तो अपने आविष्कारकों की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कामयाब साबित हुए। CFCs सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स में ही नहीं बल्कि एयर कंडीशनर्स में भी मुख्य कूलेंट बन गए। CFCs के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता था। लोगों ने इसे शेविंग क्रीम के मामले में भी इस्तेमाल किया और बालों को हवा और बारिश से बचाने के लिए भी। इसी प्रोपेलेंट की वजह से एक्सटिंग्विशर्स और स्प्रे पेंट कैंस इतने लोकप्रिय हो पाए। ये फोम इंसुलेशन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स और क्लेंजिंग एजेंट्स के लिए बढ़िया चीज थी। इन केमिकल्स का सबसे मशहूर ब्रांड नेम था फ्रियोन, डुपोंट का एक ट्रेडमार्क। दशकों तक इसका इस्तेमाल हुआ और इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये सबको एकदम सुरक्षित लग रहा था। लेकिन फिर 1970 के दशक की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अरवाइन के दो एटमोस्फेरिक केमिस्ट्स पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर रहे थे। मारियो मोलिना एक मेक्सिकन इमिग्रेंट थे, एक युवा लेजर केमिस्ट, और शर्वुड रोलैंड थे एक केमिकल किनेटिसिस्ट जो विभिन्न दशाओं में मॉलिक्यूल्स और गैसेस की गतिविधियों का अध्ययन करते थे। वो ओहायो के एक छोटे कस्बे से थे। मोलिना एक साइंटिस्ट के तौर पर और निखरना चाहते थे। वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में थे जो उन्हें उनके पहले वाले रिसर्च अनुभव से ज्यादा दूर ले जा सके। वो सोचते फ्रियोन मॉलिक्यूल्स के एयर कंडीशनर से लीक होने पर उनका क्या होता है। ये वो दौर था जब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स अक्सर चंद्रमा तक जाया करते थे और नासा भी हर हफ्ते एक स्पेस शटल को लॉन्च करने की सोच रहा था। क्या रॉकेट फ्यूल के जलने से स्ट्रेटोस्फीयर यानी उस जगह को खतरा हो सकता था जहां पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष के अंधेरे से मिलता था? और साइंस अक्सर इसी तरह काम करती है। आप किसी एक समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बिल्कुल ही अलग और अनजान दिशा में निकल जाते हैं। सच ये था कि शेविंग क्रीम और हेयर स्प्रे के ये जादुई कण यूं ही गायब नहीं हो रहे थे। दरअसल किसी को पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष के छोर पर ये खरबों की तादाद में जमा होते जा रहे थे। ये पृथ्वी से काफी ऊपर इकट्ठा हो रहे थे और इनका कोई लाभ नहीं था। मोलिना और रोलैंड को यह जानकर बहुत फिक्र हुई कि इन CFCs ने उस सुरक्षा परत को पतला कर दिया था जो हमें सूर्य के नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। स्थिति खराब होती जा रही थी। जब कोई अल्ट्रावायलेट लाइट किसी CFC मॉलिक्यूल से टकराती है तो ये उससे क्लोरीन एटम छीन लेती है। ऐसा होने पर क्लोरीन एटम बेशकीमती ओजोन मॉलिक्यूल्स को निगलने लगता है। जब हमारे ग्रह पर 2.5 अरब साल पहले ओजोन परत विकसित हुई तब जाकर जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर आ पाए। क्लोरीन का एक एटम 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को बर्बाद कर सकता है।
Thank you.